एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। एंड अभी मैं जा रही हूँ कुछ काम करने, एंड बाहर हो रही है बारिश, तो पहले चल के देख के आते हैं बारिश। सो काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है एंड हल्की हल्की बारिश आज सुबह से ही हो रही है। तो फिर बस थोड़ा सा बाहर आई थी, बहुत ही अच्छी सी हवा चल रही थी, आज का वेदर बहुत अच्छा था। अब मैं आ गई थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने, और मैंने यहाँ पर एक पराठा और ये लिया था, एंड ये मेरा फेवरेट है, मुझे दही चीनी और भिंडी बहुत पसंद है। सो फाइनली मैं हो गई हूँ सब चीज़ों से फ्री, मैंने अपना जो भी ब्रेकफास्ट था वो भी कर लिया, एंड जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो सारी मैंने कर लिया है। मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, तो अब मेरा जो कुछ रिपोर्ट का काम है, जो कि इंटर्नशिप के कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट सबमिट करनी होती है हमें, तो हम जो हमारी मेंटोर है उन्होंने हमें कुछ वर्क दिया है, तो अब मुझे वो चीज़ कंप्लीट करनी है, क्योंकि आज मतलब 15 इज़ द लास्ट डेट, एंड ऑलरेडी मैंने कुछ मैंने कर लिया है उसमें, बट स्टिल कुछ चीज़ें रिमेनिंग है, तो मैं उसका जो ड्राफ्ट बनेगा जो भी, तो वो मैं मेल कर दूँगी सबसे पहले। सो मम्मी की एक फ्रेंड है, वो आ रही हैं, तो फिर उनसे भी मिलेंगे एंड आपको भी मिलाएंगे, तो तब तक जो काम है वो मैं जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ, वो शाम को आएंगी, तो यस। तो अभी मैं अपना जो लंच है वो कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मैं काम कर रही थी तो थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मम्मी लंच कर रही थी, मम्मी ने मुझसे पूछा, तो मैं भी अभी करती हूँ लंच, एंड आफ्टर दैट ये वाला काम अभी कम्प्लीट करती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लंच कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी, रोटी एंड सैलड लिया है, एंड काफ़ी हेल्दी हो जाएगा खाना अभी का। है ना, सो गई थी और आंटी आने वाली हैं, तो थोड़ा सा ना रेडी हो जाती हूँ, जो बेसिक सा होता है। बाहर हो रही है बारिश, सो काफ़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, एंड वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बिल्कुल बेसिक सा थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी, एंड काफ़ी अच्छा लगता है जब आप किसी से अच्छे से मिलते हो। तो बस अभी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी काम करते करते, तो मैं एक घंटे के लिए सो गई थी बीच में, तो बस अब मैं जाके फटाफट रेडी होने जाती हूँ, एंड हाँ मैं ड्रेस भी चेंज करूँगी, तो फिर देखते हैं कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। सो चलते हैं, देखते हैं। सो मैंने यहाँ पर ऑलिव ग्रीन वन पीस ड्रेस है ये, सो मैंने यहाँ पर ये बियर की हुई है, एंड बस सिंपली ये एलोवेरा जेल लगाऊंगी, एंड बहुत हल्का सा कुछ मतलब कंसीलर या प्राइमर कुछ हल्का सा लगा लूँगी, जिससे हल्का सा शाइन आ जाए, दैट्स इट, एंड जस्ट बिंदी लिपस्टिक जो कि बेसिक है, और बस दैट्स इट। तो बस करके मिलती हूँ ज़रा सी देर में। सो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, एंड आंटी आने वाली हैं, सो लेट्स सी कि वो बस कुछ ही टाइम है, उनको कॉल आ गया है कि वो आने वाली हैं, सो लेट्स सी। सो फाइनली आंटी आ गई हैं, एंड काफ़ी अच्छा लगा, अभी आंटी हो गया है थोड़ा सा डर। सो मैं फाइनली आंटी से मिली, बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी बच्ची है। सो यहाँ पर मम्मी और आंटी कर रही थी बातें, एंड थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत अच्छे से बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड आंटी कैसा लगा आपको? बहुत बहुत खुशी हुई बेटू को देखकर, थैंक यू, इतनी प्यारी सी बच्ची को फिर से देखा, काफी दिनों बाद आई है, थैंक यू, आती रहा करो, अच्छा लगता है। अरे वो आंटी एग्जाम्स है ना, उसकी वजह से नहीं आ पाई थी। याद नहीं आती आंटी? बहुत आती है। तो यहाँ मम्मी और आंटी कर रही हैं बहुत सारी बातें, एंड मैं आप लोगों को तो मिला ही दिया है, अब चलते हैं आंटी के लिए कुछ बनाते हैं और चलते हैं किचन में। सो यहाँ मम्मी बना रही हैं चाय। सो यहाँ पर मम्मी आंटी सब लोग चाय पी रहे थे, एंड यहाँ पे कुछ कुछ बातें कर रहे थे, काफ़ी टाइम बाद मिली थी, मैं एक्चुअली आ नहीं पाती हूँ घर पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा MBA एग्ज़ाम्स और ये सब चीज़ चलती रहती हैं, तो टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी घर पे आने का, तो काफ़ी टाइम बाद मतलब मैं ऐसे रुकने आई हूँ, तो मैंने सोचा कि आंटी से भी मिलते हैं, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनको इन्वाइट किया और वो आई, एंड बस मम्मी यहाँ पर बातें कर रही हैं, और मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है ये, और बहुत टाइम से मतलब मम्मी और आंटी साथ में हैं, तो काफ़ी अच्छे से जानती हूँ मैं इनको।
यहाँ पर ना बाबा और चाचा भी आए हुए थे, तो यहाँ पे वो अभी जो घर में रेनोवेशन हुआ है उससे रिलेटेड कुछ उनको काम था, तो बस वो उसको देखने आए थे, तो वो लोग वो चीज़ें कर रहे थे। एंड यहाँ पर मम्मी मम्मी आंटी को अटेंड कर रही थी एंड मैं बाबा और चाचा से बातें कर रही थी, क्योंकि कुशाग नहीं था, कुशाग थोड़ा सा लेट आता है ऑफिस से। सिटी अब जा रही है एंड आंटी मैं आपको बहुत मिस करूँगी, आप जल्दी आराम से मिलना। यहाँ सब लोग चले गए थे एंड मैंने डिनर भी कर लिया था, तो मैं थोड़ा बाहर वॉक करने जा रही थी, क्योंकि खाना खाने के बाद यहाँ पर मैं वॉक करती हूँ, काफ़ी लोग बाहर वॉक करते हैं तो काफ़ी अच्छा हैपनिंग माहौल होता है बाहर का। यहाँ पर ही मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें।